I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. So guys, ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं अपना. कल आपने देखा होगा इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया जैसे मैंने आपको बताया. तो देखिए आगे क्या होता है. सो गाइज, मिलते हैं. हम चल रहे हैं अब अभी नेक्स्ट टूर पे हमारे, और आज हम सोच रहे हैं कि कहाँ पे खाना खाएं. तो हमने अभी एक खुशबू करके एक वो है रेस्टोरेंट खुला है नया, तो हम ये सोच रहे हैं कि अच्छे जगह खाना खाएं. अभी खुशबू रेस्टोरेंट खुला है, तो बोल रही है, खुशी बोल रही है कि मैं यहीं खाना खाऊंगी. तो हम वहीं जाके खाना खाएंगे, आपको दिखाएंगे आज कि उसके पास है क्या खाने का. सो चलते हैं अभी, अब दिखाते हैं. क्या बोल गई? मैं बोल रही हूँ गाइस, मैं स्कार्फ लाना भूल गई. बाहर बहुत ज्यादा धूप है, मेरी हालत खराब हो जाती है धूप से. दिखाता हूँ आपको धूप कितनी आज. बहुत धूप है. ये खड़ी हमारी धन्नो, और धूप देख सकते हो आज अच्छी खासी धूप है. पर गर्मी इतनी नहीं रही जितनी गर्मी होनी चाहिए, तो थोड़ा सा इसलिए सुकून है. और धूप में कितनी चमकती है ना धूप है. ये देखो इसकी शाइन करती है स्किन धूप में. लड़की है ही सुंदर, सुंदर सी लड़की है, क्यूट सी. मेरे लिए भुट्टा लेके आया था, और पूरा का पूरा भुट्टा मैंने पूछा तो खुशी से खाएगी, तब मना कर दिया मैं नहीं खाऊंगी कुछ भी. और जैसे मैं ऊपर लेके आया तो बोली मैं थोड़ा सा खाऊंगी देखूंगी, और सारा का सारा भुट्टा खा लिया. मैं बातों में लगा रहा हर चीज़ के साथ, और पूरा भुट्टा खा के और डस्टबिन में फेंक दिया उसके बाद. और मुझे कितना मिला, सिर्फ और सिर्फ एक बाइट या दो बाइट मुश्किल से. हाँ भाई, पूरा भुट्टा खा गया ये. क्या भुट्टा? वो जो खाया है और क्या खाया है, एक दो बाइट मैंने खाई है, और मेरे को मना कर दी मैं नहीं खाऊंगी. बोली मैंने खाऊंगी, और पूरा भुट्टा खा गई. मुझे भूख लग रही है, कुछ खिलाया तुमने? सुबह से बांधे थे, अभी खाना अच्छी जगह खिलाऊंगा. अच्छी जगह खाना खाने जाएंगे, हम दिखाते हैं आपको. और हम अभी करते हैं कुर्ती का शूट. कौन है ये सुंदर सी लड़की? बहुत गर्मी लग रही है, एसी खराब हो गया, हर्षित ठीक ही नहीं करा रहा. हर्षित का एसी खराब हो चुका है. एक जोबो कंपनी का एसी चल रहा है, पता नहीं कितना टेम्परेचर टेम्परेचर दिखा रहा है इसमें. कोई लाइट वाइट नहीं जल रही, बस एक ही हग्रीन कलर की बत्ती जल रही है, गरम गरम हवा दे रहा है. और दिखा दूं मैं, एक इस कंपनी का एसी है जोबो. और एक रिमोट एसी जोबो का है, और रिमोट है डैकिन का. अच्छा, देख सकते हो आप डैकिन का ये. अभी जो हम कैमरा यूज़ कर रहे हैं मिररलेस कैमरा यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हो कितना बढ़िया कैमरा है ये. सो गाइस, अभी आए हैं हम गन्ने का जूस पीने, और खुशी को गन्ने का जूस बहुत पसंद है. हमने ना ये बड़े वाला ग्लास बनवाया, कहाँ गया ये वाला, ये वाला. तो ये बहुत देर से बोल रहे गन्ने का जूस पीना, फोकस नहीं आ रहा है, ऐसे करो ऐसे. तो गन्ने का जूस पी रही है. सो लाइट ऐसी आ रही है यहाँ पे, ये कह रही है बार बार की मैं अच्छी नहीं लग रही. पीछे से वो आ रही है ना. अब ये ट्रक में घुस जाएंगे हम थोड़ी देर बाद. आप ठीक आ रहे हैं, हम गन्ने का जूस पी रहे हैं यहाँ पे, और पीछे से लाइट आ रही थी उधर से, तो इसलिए अच्छी नहीं आ रही. कोई फोन लेके भाग जाएगा. कोई फोन लेके भाग सकते हैं, हम बोलेंगे वो गया. कितना बड़ा ग्लास है देखो, कितना बड़ा ग्लास है, बहुत अच्छा है. और सचिन इतना अच्छा इंसान है, अभी वो जो बच्चे जा रहे हैं ये पीछे, इसने पैसे मांगे सचिन से, सचिन ने इसको गन्ने का जूस पिलाया. पैसे नहीं देने चाहिए यार, बच्चों को पैसे देते हैं ना तो फिर उनकी क्या होती है, आदत खराब होती है. अगर खाने पीने का आया कुछ तो खिला दो पिला दो, वो ज़्यादा बढ़िया है. अभी बोला कि मेरे को पैसे दे दो, मैंने कहा पैसे नहीं है, तुझे जूस पीना है तो गन्ने का जूस पी ले. तो मैंने उसको गन्ने का जूस पिला दिया. हम किसी को खिला सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं. अगर पैसे हम देंगे तो वो गलत चीज़ें करते हैं, फ्लूट खरीदते हैं और गंदे गंदे नशे खरीदते हैं. छोटे छोटे बच्चे हैं ना, फिर वो बिगड़ जाते हैं, जो अच्छा नहीं होता उनके लिए. तो इसलिए खाने पीने की आइटम है वो दिला दो, ज़्यादा बढ़िया है. दिखा दो कितना बढ़िया इन्होंने बनाया हुआ है, शानदार. और हम यहाँ पे अभी खाना खाने आए. मैंने हमने बोला था ना कि अच्छी जगह खाना खाएंगे आज हम, तो बहुत अच्छी जगह खाना खाने आए आज. और ये इवेंट बैठी है, हमने खाना ऑर्डर कर दिया. बस खाने का हमने ऑर्डर किया है, अभी खाने का वेट कर रहे हैं. और हम आए आज खुशबू रेस्टोरेंट में, और इसका जो मेन्यू है बहुत अच्छा है, मतलब रेट भी बहुत अच्छे हैं, और खाना भी अभी खा के हम देखेंगे कैसा है, और उसके बाद बताएंगे आपको. तुमने क्या ऑर्डर किया है? एक छोले भटूरे और एक अमृतसरी नान. एक चूचू नान की थाली हमने एक ऑर्डर किए, और एक छोले भटूरे.
वो बोल रहे हैं कि अगर छोले भटूरे होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम चुचू नान की दो थाली कर देंगे। अब देखते हैं कितनी देर लगेगी। सो गाइस खाने का वेट कर रहे हैं अभी और ये बहुत एक्साइटेड है कि खाना कैसा आएगा। खाना कैसा आएगा, एक्साइटेड है। और ये देखो मतलब चुलूल पांडे की छोटी बहन बुलूल पांडे। तो हम वेट कर रहे हैं अभी कि खाने में क्या आएगा, मतलब खाने में क्या आएगा। तो हमने जो ऑर्डर किया वही आएगा, बट देखते हैं अभी कह सकता होगा। वैसे मुझे नसीब हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। खाने नसीब हो रहा है सुबह से। अब बता दो सुबह से क्या खाया। वैसे मैं खा चुकी हूँ, बताओ। मौसमी का जूस पी चुकी हूँ, पी चुकी हूँ, और गन्ने का जूस पी चुकी हूँ। उसके बाद मैंने स्वीट कॉर्न, जल्ली बिल्ली क्या बोलते हैं उसको, वो खाया था। और ये खाया मैंने थोड़ा सा, एक टुकड़ा मैंने ब्रेड पकौड़ा खाया था, ये खा चुके हैं। उसमें से थोड़ा थोड़ा मुँह में आ चुकी हूँ मैं, खाया नहीं है मैंने कुछ। अच्छा हाँ, मैंने पिया है मौसमी का जूस और गन्ने का जूस। और मन उन्होंने बोला जो समझ में नहीं आया। मुझे थोड़ा लिक्विड ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी है तो हमें थोड़ी सी नहीं उतार देती हूँ। गर्मी है तो थोड़ा सा हाइड्रेटेड भी रहते हैं और बॉडी चलनी होती है पूरे दिन, तो खा के मुझे नींद आती है। वैसे एक बात है, मेरा लिपस्टिक का शेड बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। ये लिपस्टिक बहुत अच्छा लगता है। आप बताओ कितना बढ़िया कलर है लिपस्टिक का। मेरे लिपस्टिक का शेड अच्छा है। तो ये देखो ये हमारा खाना आ गया है और अब हम इसको खाएंगे। कितने टेस्टी लग रहा है। देखो पनीर है और दाल है, ये मखनी दाल है, सैलड है और नान है। स्टफ नान के साथ में है ये सारा कुछ। और ये देखो इसे रुका नहीं जा रहा, बिल्कुल भी काबू नहीं हो रहा इसका। कैसा है, बढ़िया है, अच्छा लगा खा के। मैं भी खाता हूँ फ्रेंड्स और देख बताता हूँ कैसा है इसका टेस्ट। देख सकते हो अभी खा रही है खाना। मैं खा चुका हूँ और एक से खाई नहीं है। इस खाना बहुत अच्छा है, बहुत स्वाद खाना है, मज़ा आ गया खा के। इतना अल्टीमेट खाना है ना कि सुबह से जैसे हमने खाया था थोड़ा बहुत, उसके हिसाब से बहुत अच्छा लगा हमें खा के। और खुशी तो अब तक खा रही है, रज रज के धीरे धीरे खाती है वो, मुझे पता है, पर बहुत उसे स्वाद लगा खाना। तो वो उसी चीज़ को बोल रही है कि यार बहुत अल्टीमेट खाना है। और ऐसा नहीं कि क्वांटिटी बहुत कम थी, अब खाना बहुत ऐसा है, बहुत अच्छा खाना है। माइंड ब्लोइंग, मज़ा आ गया खा के। गाइस 10 बज रहे हैं और हम घर जा रहे हैं, अब शूट से फ्री हुए हैं जस्ट। और ये लाइट पड़ रही है ना, दिख रही। और खुशी बैठी मास्क लगा के, बोली चलान हो जाएगा मेरा। चलान केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और मुझे हो गया है जुकाम, मुझे भी डर है पीछे तो हाथ। और अभी जा रहे हैं हम घर, अभी हम शॉपिंग करके आए बहुत सारी, और शूट का पैकअप भी हो गया कब का, हम तो शॉपिंग करने में लगे थे। हाँ तो हमने जूस वगैरह लिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउन फील हो रहा था। जूस वगैरह लिए और मैंने लिए, हमने काफ़ी और हमने काफ़ी काफ़ी मैगी प्रोडक्ट्स लिए और रिफिल वगैरह के। मैं घर जाकर आपको दिखाऊंगा, आप पहले खुशी को ड्रॉप कर दो उसके बाद। तो गाइस अब खुशी को छोड़ रहा हूँ मैं, ये लेकर आ रही हूँ घर। बाय बाय, हमारा ब्लॉग लाइक कर देना और मुझे भी फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे, लाइक करना। ये लाइए बहुत सारी है, ये जो सोया देखा है अपने लिए, इसको लो फील हो रहा है, इसलिए बढ़िया है। कैडबरी फ्लेवर मोटली हो गई, ज्यादा काम करवा लिया। मोटली हो गई मैं लाइव क्रैनबेरी फ्लेवर सारे जूस वगैरह डाल रही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी मैं घर जाऊंगा फिर आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या लेके आता हूँ इस ब्लॉग में ऐड करूंगा ये सारा। सो गाइज बिल्कुल अभी जस्ट घर पर आके बैठा हूँ, पसीने देख सकते हो आ रहे हैं, बिल्कुल अभी आके एसी ऑन किया है, जस्ट एसी ऑन किया मैंने। और अभी बस जस्ट बैठा हूँ रिंग लाइट ऑन करके, मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉग तैयार कर लूँ। तो बहुत सारा सामान लेके आया हूँ आज, जो ज़रूरत की चीज़ें थी घर के लिए, अपने लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए और घर में जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों के लिए।
दिखाता हूँ आपको कितना सारा सामान लेके आया हूँ मैं, देख सकते हो आप कितना सारा सामान लेके आया हूँ। अभी मैं पन्निया खाली करके बस अभी जस्ट बैठा हूँ सबकी। ये प्लम है, ये हेड का लाया था अपने लिए, पर ये वुमन का निकल आया, फॉर वुमन। फेस वॉश लेके आया हूँ, ये द मैन कंपनी के परफ्यूम्स लेके आया हूँ, काफ़ी सारे हैं। और हिमालय प्योर का ये लेके आया हूँ आपका हैंड सैनिटाइज़र, हैंड वॉश। और मुहा के एलोवेरा लेके आया हूँ मैं, और वाओ के शैम्पू और कंडीशनर लेके आया हूँ। ऑरी फ्लेम्स के लेके आया हूँ मैं, ये आपका ऑरी फ्लेम क्या है, फेस मास्क है ऑरी फ्लेम का, और फेस स्क्रब है ऑरी फ्लेम का, और ऑरी फ्लेम का है आपका ये हैंड एंड बॉडी लोशन। कितने रुपए का पड़ा है मेरे को, ये है 800 रुपए का, और ये जो है आपका ये है 400 रुपए का स्क्रब, फेस स्क्रब। और जो आपका ये मेरे को पड़ा है ना फेस मास्क, ये पड़ा है मेरे को 450 रुपए का। और मुरक्कन आर्गन का ये है ब्यूटी बॉनी का, ये है 360 रुपए का मुरक्कन आर्गन। ये शैम्पू है, अच्छा शैम्पू है इसका, मेरे को अच्छा है, पसंद आया मेरे को ये शैम्पू। और द मोम कुमको का ये हमारा आया है अभी फेस वॉश, ये फेस वॉश भी बहुत अच्छा फेस वॉश है, और ये भी अच्छा खासा महंगा है, 300 रुपए का फेस वॉश है, ये तो 300 रुपये में फेस वॉश है। ये सारी चीज़ें लेके आया हूँ अभी, जस्ट आके भी खोली हैं। और वाइज आपने देख लिया था कि कैसे आज हमारा डे रहा, आपने एंजॉय किया होगा वीडियो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारा जो चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और हम आपके साथ में ऐसे ऐसी वीडियो लाते रहेंगे बढ़िया बढ़िया, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कितना हम फन करते हैं, कितना हम मस्ती करते हैं, और कैसे शूट हम लोग करते हैं। और खुशी भी बहुत सारा सामान ले गई है, और ये फिल्म्स के ले गई है, और मोहा के ले गई है, वो भी काफ़ी सारा ले गई है, वाओ वगैरह के प्रोडक्ट्स, दामदर कौन सा है वो, मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स ले गई है। मामा अर्थ के मैं भी लेके आ रहा था, पर ये इतना सारा हो गया, और फिर बहुत सारा सामान आ गया यार, पैसे सारे ऐसे उड़ गए, तो मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम ले लूँगा मामा अर्थ वगैरह के प्रोडक्ट। अभी मैं द मैन कंपनी के मैंने बोर्ड लगाए नहीं है, मैं अभी टॉयलेट में लेके आया हूँ, स्क्रब भी लेके आया था मैन कंपनी का। और तो आपने देख लिया कि आज हमने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं इन सारी चीज़ों पे। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो शेयर जरूर कर देना, वीडियो जो लाइक जरूर कर देना, थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखें, बाय।